नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में बेहद चुनाव रोचक हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों का खेल बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक का दो बजे तक की अगर हम बात करें तो सागर की 8 सीटें हैं, जिसमें बीना विधानसभा की अगर हम बात करें तो बीना विधानसभा में अच्छा खासा लोगों में रुझान है, घरों से लोग बाहर निकले हैं। 46.93% यहाँ वोट अभी तक आ चुका है, 1 बजे का ये डाटा है। अगर हम वही बात करें खुरई विधानसभा की, तो खुरई विधानसभा में 48.77% वोट आ चुका है, यानी बहुत उत्साह है लोगों में। वहीं अगर हम तीसरी विधानसभा सुर्खी की बात करें तो सुर्खी में भी 46.61% आ चुका है, 1 बजे की यही डाटा है, बहुत उत्साह है लोगों में। वहीं अगर देवरी की बात करें तो देवरी में सबसे ज़्यादा अभी तक प्रतिशत हुआ है, 50.36% यहाँ वोटिंग हो चुकी है। रेहली विधानसभा की अगर हम बात करें, रेहली विधानसभा बहुत अहम है, लगभग यहाँ 50% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर हम नरियावली की बात करें तो यहाँ भी उत्साह है लोगों में, 44.06% लोगों ने वोट किए हैं। सागर की अगर हम बात करें तो सागर में नीरस रहा है चुनाव, सागर में लोग जो है शहरी क्षेत्र है, कहा जाता है शहरी क्षेत्र में उतना वोट नहीं आता है क्योंकि व्यापारी वर्ग है, अन्य वर्ग है, लेकिन यही अब अहम वोट है। लेकिन 37.28% ये सागर में तकरीबन जो है ये आखिरी लम्हे तक 60% या 62% तक वोट होगा, ऐसी उम्मीद है। वहीं अगर हम बंडा की बात करें तो बंडा में भी जो है लोगों में उत्साह है और 46.76% यहाँ वोट हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है 40% से ऊपर मध्य प्रदेश में वोट आ चुका है, सभी जगह बड़े उत्साह से पोलिंग चल रही है, मतदान हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये प्रतिष्ठा का भी चुनाव है, ये योजनाओं का भी चुनाव है, ये अभिमान का भी चुनाव है, ये गर्व का भी चुनाव है, ये बदलाव का भी चुनाव है, ये संघर्षों का चुनाव है, ये ईमानदारी का भी चुनाव है, ये बेईमानी का भी चुनाव है, ये आतंक और भय का भी चुनाव है, ये जो है भ्रष्टाचार का भी चुनाव है, ये जो है बेहतर योजनाओं का भी चुनाव, ये विकास का भी चुनाव है। कई आयाम है 2023 के चुनाव में, तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश की जो 230 जो सीटें हैं उनमें बहुत कड़ा मुकाबला है। जो स्पष्ट जो बहुमत है उस मैजिक अंक तक कौन पहुंचेगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 100 के अंक दोनों पार करेंगी। अब कितने अंक तक भाजपा पहुंचेगी, कितने तक कांग्रेस पहुंचेगी, ये नहीं मालूम। लेकिन सत्ता की चाबी ऐसा ना हो कि निर्दलीय समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी की पार्टी में चली जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जो है मध्य प्रदेश में ये जो निर्दलीय हैं, समाजवादी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, अन्य लोग हैं, इन्हीं के इशारे पर जो 5 साल चलेगा, ये बिल्कुल तय बात मान के चलेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार। सजल मोबाइल, कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं, थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर।